अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। तो यार फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करते। असल में आपको थोड़ा मेन इंट्रो देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मीरापुर, क्योंकि मेरे कुछ पेपर्स हैं उसकी वजह से। बाकी जो डिटेल्स आपको बाद में दूंगा मैं, फिलहाल मुझे लेट हो रही है। मैं पहले लकी वन मॉल गया था घूमने फिरने के लिए, मुझे जहन में नहीं था कि यार मैंने मीरापुर भी जाना है। ट्रेन की टिकट वगैरह भी तो आई हुई है, तो वो सब ट्रेन सामने मेरे पहुँच गई। बस मैं निकलता हूँ, ट्रेन के अंदर बैठता हूँ और देखते हैं पानी कैसा व्लॉग बनता है। मुझे नहीं पता, मैं व्लॉग शूट करना ही भूल गया था। लकी वन मॉल के अंदर मैं घूम रहा था और मैं जहन में नहीं था कि मैं व्लॉग भी शूट करना है। खैर आशा सा आदत ठीक हो जाएगी, अब बस निकलते हैं, ट्रेन हमारी पहुंच गई है प्लेटफॉर्म पे। सो अब बस ट्रेन के अंदर जाके मिलते हैं आपसे, स्टे विद अस। अच्छा तो यार मीरापुर हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी का यार सीन ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है। खैर मैं इधर खड़ा रहता हूँ। हाँ तो यार अभी आप लोगों के जहन में भी सवाल होगा कि भाई मीरापुर क्यों पहुंचा है, कराची बाद में जाते हो, पहले मीरापुर आ जाते हो। तो यार तकरीबन मैं 40 दिन बाद वापस मीरापुर आया हूँ। मीरापुर आने का मकसद ये था कि यार मैं भी हूँ इंटर में और मेरे इंटर के पेपर्स हैं 13 तारीख से, तो इसलिए मुझे मीरापुर आना पड़ा। खैर यहाँ पर भी बड़े मज़े के सीन्स करेंगे, चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो खैर यहाँ पर अब मैं जिम भी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि आपको पता है जिम के बगैर मैं रह नहीं सकता। और यार यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि भाई पतले हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो, तो यहाँ पर अब डाइट वगैरह भी शुरू करेंगे ताकि थोड़ा बहुत चेहरा वगैरह निकला है, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी हो गई है। तो आपको पता है यार कराची की खुराक और हमारे यहाँ देसी खुराक में कितना फ़र्क होता है। तो खैर ये कराची आने का रीज़न था, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक वापस चले जाएंगे जब पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि मेरे बाबा इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी उनको हेल्प वगैरह भी चाहिए थी। और कामकाज जो होते हैं आपको पता है पार्टी वर्क्स वगैरह होते हैं, तो यार अभी शायद कुछ व्लॉग्स जो हैं फीके फीके भी आपको देखने को मिले, क्योंकि वैसे तो मेरा मूड नहीं था यहाँ पर आके मेरे व्लॉग बनाने का, पर यार फिर मेरा चैनल दोबारा वापस डाउन पोजीशन में चले जाएगा, इस वजह से फिर भाई कह रहे हैं कि व्लॉग आप अपलोड करो भले जैसा मर्ज़ी है। तो अगर मेरे कुछ व्लॉग्स मज़े के ना भी हों तो प्लीज़ आप देख लिया करना यार। ये व्लॉगिंग में होता है ऐसे, कभी अच्छे व्लॉग बन जाते हैं, कभी नहीं भी बनते। जब कराची जाएंगे तो अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाएंगे। और मैंने इस बार बहुत मज़े के कंटेंट सोचे हुए हैं और बड़े मज़े के सीन सोचे हुए हैं जिन पर हम वीडियो बनाएंगे और जो हम सीन करेंगे। सो इंशाल्लाह इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खैर अभी हम करते हैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।